तो त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मुंबई से अपने गांव को जाना शुरू हो गए हैं। इस दौरान स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ होने लगी है जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इसी भीड़ को मैनेज करने और इसके चलते हादसों को टालने के लिए सर्विलांस ड्रोन के जरिए पश्चिम रेलवे नजर रखेगी। जिस ड्रोन का इस्तेमाल रेलवे करेगी वो ग्राउंड लेवल से 200 मीटर की ऊंचाई पर 2 किलोमीटर की दूरी तक 25 मिनट की उड़ान भरने में सक्षम है। ये ड्रोन टेरेन डिटेक्शन, जियोफेंसिंग और नो फ्लाई जोन फीचर से भी लैस है। इस सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले स्टेशनों मुंबई सेंट्रल, बांद्रा, अंधेरी और बोरीवली में किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा RPF को ट्रेनिंग भी दी गई है। मुंबई के शबब में खासकर बोरीवली और अंधेरी इलाके में जिस तरह से लगातार स्टेशनों पर भीड़ होती है उसको देखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ड्रोन का सहारा लिया जा रहा। तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से ड्रोन की मदद से कंट्रोल, भीड़ की कंट्रोल और ट्रैक पे होने वाली जिस तरह से इंक्रोचमेंट लगातार होती है उसको कैसे नियंत्रण किया जाए उसको लेकर लगातार पश्चिमी रेलवे द्वारा इस तरह का ड्रोन का सहारा लिया जा रहा। ड्रोन के जरिए जो है देखा जाएगा कि कौन सी स्टेशन में किस तरह की भीड़ हो रही है। इस भीड़ के दौरान अगर कोई सस्पिशियस दिखता है तो उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। तो तमाम तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से ड्रोन के द्वारा जो है अब लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी, खासकर ट्रैक पे होने वाले जिस तरह से इंक्रोचमेंट होता है उस पर भी खासा नज़र रखी जाएगी। तो तमाम RPF के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से इसको जो है कंट्रोल करना है और किस तरह से इसको जो है नज़र रखना। तो इस के जरिए जो है तमाम तस्वीरें जो है मुंबई के ट्रैक की बात करें या फिर स्टेशनों की बात करें तमाम तस्वीरें इस लैपटॉप के द्वारा कैद की जाएगी। उसके द्वारा फिर देखा जाएगा कि किस तरह से अगर कोई चीज़ें सस्पेशियस दिखती है या फिर किसी बात को लेकर ऐसे अनहोनी जैसी घटना होती है तो तत्काल प्रभाव में RPF द्वारा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें यह न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि खासकर सबब के लिए यह योजना तैयार की गई है RPF द्वारा और लगातार इस पर नज़र रखेगी, खासकर पश्चिमी रेलवे द्वारा इस पर नज़र रखेगी। और सबसे अहम बात की जो त्यौहार सीजन आते हैं उस वक्त जो है अमूमन भीड़ होती है इन स्टेशनों पर जहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं, खासकर अंधेरी और बोरीवली स्टेशन से जहाँ से तमाम जो है एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती है। अमूमन लोग अन्य इस राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं तो वहाँ इस तरह की भीड़ होगा। आपको एक बात याद दिला दें कि जिस तरह सेप्टेम्बर महीने में जो है परेल स्टेशन के पास काफ़ी भीड़ की वजह से